वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम लंडन यूनाइटेड किंगडम यूके। और आज मेरा मतलब दूसरा दिन है। कल शाम को आया था, मैं इस रूम में पहुंचा था 7-8 बजे तक, तो कल सोया एकदम। और अभी तो बिखेरा हो रहा है पूरा, आप देख सकते हो। और ये ऐसा कुछ रूम है मेरा जहां मैं रहने वाला हूं अगले कुछ महीने, और बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी शुरू कर रहा हूं मेरी लाइफ की। मैं यहां पर आया हूं स्टूडेंट वीज़ा के तौर पर, वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। और एकदम ही नया रूम मिला था मेरे को, मतलब यहां पर स्टूडेंट अकोमोडेशन पर न्यू ही एकदम साफ़ सुथरे रूम मिलते हैं, जिसमें वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर बहुत बिखेर दिया है मैंने अभी, क्योंकि कल आया था एकदम सब खोला पीला करा, खाया पिया और सो गया। मतलब मेरे पास तकिया तक नहीं था, तो मैंने मेरी जैकेट को तकिया बना लिया था। और इंडिया से ये सब लेके आया मैं, मैगी ये सब पूरा किचन में जमाना है, दवाई वगैरह, ठंड के कपड़े। पर गर्मी अभी यहाँ पर देख सकते हो आप। तो आज के दिन मैं जाने वाला हूँ मेरा BRP कार्ड कलेक्ट करने। BRP कार्ड होता है बायोमेट्रिक परमिट, जो कि एक वीज़ा की तरह मान लो आप यूके में रहने के लिए। तो मेरे पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है स्टूडेंट वीज़ा, वो 3 महीने का लगा हुआ है दिसंबर तक, और जो BRP रहेगा वो 2025 तक रहेगा। तो एक बार टेम्प्रेरी एंट्री के लिए रहता है वीज़ा, और फिर आपको यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस मिलता है, उससे आपको कलेक्ट करना पड़ता है आपका BRP। तो वही BRP को मैं कलेक्ट करने जाऊँगा, और छोटा मोटा घर का सामान लेना जैसे बेडशीट हो गई या प्लेट्स हो गई, ये सब मैं लाया नहीं था क्योंकि 30 kg का लगेज की अलाउंस थी मेरे पास फ्लाइट में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ। और फ्लाइट की बात करता हूँ, मैं टर्किश एयरलाइन से आया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहली बात तो बहुत ज़्यादा सामान था और बहुत एक्टिव हो रहा था सब कुछ, और टर्किश एयरलाइंस की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आपको देखना हो तो देख लेना, बहुत सारे लोगों की मदद हुई उससे। तो चलते हैं, अभी तो मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, वैसे तो नहा तो लिया ही हूँ, बस थोड़ा बहुत तैयार हो जाता हूँ और बाहर निकलते हैं, बस से चलते हैं BRP कार्ड कलेक्ट करने। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज के एक और शानदार धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात मैं आपसे बोलना भूल गया कि शुरू की एक दो वीडियो में थोड़ा सा माफ़ करना, क्योंकि मुझे चीज़ें सेटल करनी है अभी, तो थोड़ी सी अड़ल बड़ल वीडियो आएगी एकदम से, कुछ भी और एंगल गलत है थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ करना। पर मैं आपको स्टोरी बताने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोज़, कि मैं कैसे आया था, क्या क्या किया मैंने यहाँ पर, तो इसलिए ही मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। वरना मैंने सोचा था कि डायरेक्ट आपको अच्छे से वीडियो दिखाएंगे, पर मैंने सोचा कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था ये सब एक्सपीरियंस, कि पहली बार कोई स्टूडेंट आता है दूसरी कंट्री में तो उसको क्या क्या करना रहता है। तो ये बिखरा हुआ कमरा अपना, पर ठीक है, आप लोग एडजस्ट तो कर ही लोगे। तो मिलते हैं सीधा अब बाहर। तो ये मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन है, ऊपर मेरा फ्लैट है। अब मैं थोड़ा सा बाहर का दिखाऊंगा, और इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसे रहते हैं। तो बाहर ही निकल रहा हूँ नहा धो के एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई कंट्री की हवा है। ये आ गया अपना बाहर जाने का एरिया, एकदम सिक्योर्ड है, और ये कोई भोकट अंदर नहीं आ सकता है, सबके पास अपनी चाबी, उससे ही चीज़ें होंगी। वाह, ये देख सकते हो आप, फॉरेन का एहसास। तो चलते हैं बाहर, और बस से जाऊंगा मैं BRP कार्ड लेने मेरा, निकलता हूँ यहाँ से। लेट हो गया, ऐसे 3 बज रही है अभी, मौसम तो अच्छा है। तो ये है मेरे अकोमोडेशन के पास का एरिया, और ये लंदन वाली बसेस देख सकते हो आप। बहुत अच्छा लग रहा है यार, लंदन USA गया हुआ हूँ पर बहुत डिफरेंट है USA से। और ये अपने देखो लेफ्ट साइड वाली ड्राइविंग की चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें जैसे अपने इंडिया में भी होती है, USA में बड़ी बड़ी दुकानें होती थी बड़ी बड़ी पार्किंग के साथ, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें ये देख सकते हो आप। और घर बहुत अलग ही स्टाइल के बने हुए हैं। ये मेरा वो है बस स्टेशन। तो ये पिज़्ज़ा की शॉप है, बर्गर पिज़्ज़ा और चिकन विंग्स मिलते हैं यहाँ पर, और ऐसा कुछ व्यू है। तो अभी तो बाहर के ही खाना पड़ेगा अपने को 1-2 दिन, जब तक कुछ सेटल नहीं हो जाता। और मैंने वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, इंडियन बंदे ही काम करता है अंदर, और बड़ा 6.5 pound का, मतलब ये US का भी वहाँ पर ये कंट्री महंगाई में 650-700 rupees का एक पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है। तो अभी शुरू में तो ठीक है होगा खर्चा, पर धीरे धीरे अपन सब कुछ सेटअप कर लेंगे।
चुका हूँ मेरे स्टॉप तक। अब यहाँ से बस 5 मिनट की वॉक है और मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच जाऊँगा। तो जल्दी जाता हूँ, मेरा BRP कलेक्ट करता हूँ। और अमेजिंग यार, क्या सिटी है लंदन। मतलब पहली बार ऐसी सिटी देख रहा हूँ, बहुत डिफरेंट है US वगैरह से, बहुत डिफरेंट है। और टावर ब्रिज पे से होते हुए बहुत ही अच्छा एरिया था। और देखो क्या हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये देखो आप कितना सुंदर है ये। वाह, मस्त ठंडा मौसम हो रहा है। मतलब बहुत ठंडा भी नहीं, पर 15-16 डिग्री। अब MP से आ रहा हूँ तो ठंड ज़्यादा लग रही है। ठंड ज़्यादा तो क्या ही लग रही है, देखो कुछ भी नहीं, एक टी शर्ट में घूम रहा हूँ हाफ स्लीव्स के, पर मज़ा आ रहा है यार, ठंडा वेदर ही पसंद है अपने को। और ये बिल्डिंग देखो आप क्या दिख रही है, ये देखो। और ऐसा कुछ ये बना हुआ है क्लॉक के साथ, अब क्या पता क्या है ये। ये देखो टाइम बता रहा है जो। और यहाँ पर भी ऐसे ही बटन दबाना पड़ता है और आप रोड क्रॉस कर सकते हो USA जैसे। और कहीं कहीं वो वाली क्रॉसिंग से यहाँ पर जहाँ पर गाड़ियों को रुकना ही पड़ता है, मतलब आपको कोई बटन नहीं दबाना अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो बाय लॉ उसको वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात लगती है वेस्टर्न कंट्रीज़ की। और मतलब थाईलैंड वगैरह में भी ऐसा बहुत जगह होता है कि चलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी है, गाड़ी वालों को कम है। तो ये आ गया पोस्ट ऑफिस। अब अंदर तो क्या ही ले जाऊँगा, कैमरा जो भी पेपर वर्क या जो भी कुछ होगा मैं अंदर जाता हूँ करता हूँ, और आपको बाहर आकर बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है BRP कार्ड लेने के। जाता हूँ तो हो गया ये वाला भी काम, ये पोस्ट ऑफिस था पीछे। और आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो, जब आपका डिसीजन लेटर आता है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, उसके 10 दिन बाद आ गया था मेरा तो। और उस पर लिखा रहता है कि आप कितने दिन तक रह सकते हो UK में, और आपका जो BRP बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट वो किस एड्रेस पर आने वाला है। तो मेरे में इसका एड्रेस था तो मैं बस से यहाँ पर आ गया। तो आपका जो भी डिसीजन लेटर पर एड्रेस लिखा रहेगा BRP का, आप वहाँ चले जाना। और अंदर जाते ही एक लाइन थी लंबी, नॉर्मल लोग कुरियर करने आए थे, लोग कुछ और करने आए थे, लोग करेंसी एक्सचेंज करने आए थे। तो मैं भी गया, जैसे मेरा नंबर आया उसने पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट दिया और उसने मेरा BRP दे दिया। कहीं साइन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया था। तो इतना इसी है BRP लेना। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या कोई भी लोग आ रहे हैं BRP कलेक्ट करने, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस पासपोर्ट दे, एड्रेस पर सही एड्रेस पर जाओ पोस्ट ऑफिस के और ले लो। तो ये तो काम हो गया मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे कॉलेज चले जाऊँ मेरा स्टूडेंट ID कार्ड कलेक्ट करने के लिए। सारे काम ऐसे निपटा ही लेता हूँ, अभी सबसे यही सब करना है। तो उसके बाद मैं थोड़ा ट्रैवल भी करूँगा, दिखा दूँगा आपको लंदन कैसा है और मेरी क्या लाइफ चल रही है। तो फिलहाल तो चलता हूँ मैं कॉलेज और कॉलेज से ID कार्ड कलेक्ट करता हूँ। अब ये देखो यार क्या शानदार स्ट्रीट है, और ये बिल्डिंग का शेप देखो आप, यूँ जा रही है एकदम गजब। और ये राजस्थान इंडियन रेस्टोरेंट देख सकते हो आप, ये तो दुनिया के किसी भी कोने पे मिल जाएंगे आपको। मज़ा तो आ रहा है यार UK घूमने में, क्योंकि अलग ही नई कंट्री आ गया। US वगैरह घूम चुका हूँ मैं, और जो पहली बार ही आ रहा है इंडिया से बाहर, उसको तो अलग ही लेवल का फन होगा। अब मेरे को वो वाला शौक तो हो नहीं रहा है, क्योंकि US भी आ चुका हूँ मैं, इतने ऐसी बिल्डिंग्स देख चुका हूँ। पर आप अगर पहली बार आ रहे हो तो वाली फील भी आपको आएगी, सही मज़ेदार है यार UK भी। तो चलता हूँ, सामने बस स्टेशन है मेरा, और वहाँ से दूसरी बस लूँगा मेरे कॉलेज के लिए। और कॉलेज का नाम तो मैं बता नहीं रहा, बाद में अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जाता हूँ मेरा ID कार्ड कलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कैसा है अपना कॉलेज भी। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बोल दिया कि अभी थोड़ी सी कंटेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दो शुरू के 1 हफ्ते, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो उसमें मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। फिर देखो आप, ऐसे व्लॉग्स आएंगे, ऐसी वीडियोज़ आएगी, किसी ने लंदन को इस स्टाइल में तो दिखाया नहीं होगा जिस स्टाइल में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अब शायद इधर कहीं मेरी बस आएगी, निकलता हूँ मेरे कॉलेज।
कॉलेज आ चुका हूँ, पीछे आपको दिख रहा होगा UAL लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, और ये वाला कॉलेज है। पहली बार ही आया हूँ मैं, कल तो लंदन आया था, तो अंदर जाता हूँ, मेरा आईडी कार्ड कलेक्ट करता हूँ, और इसकी तो मैं पूरी डिटेल वाली वीडियो बनाऊँगा कि कैसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसेस रहती है, तो वो सब तो मैं आपको आगे बताऊँगा, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींच नहीं हूँ। जो जो काम कर रहा हूँ बस मैं आपको नॉर्मल डे दिखा रहा हूँ मेरा लंदन में। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ है मेरा कॉलेज, लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन। और यहाँ पर ही सामने ही बस स्टॉप है इसका, लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, सीधे वहीं उतरा। मतलब ट्रांसपोर्ट में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है, और अभी तक तो बहुत ही चुम्मा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगा है यार यूके का, तो हर जगह की बस मिल रही है और दो दो मिनट के गैप में मिल रही है। और ये ऐसा कुछ एरिया है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, और ये देखो आपको बस ही बस दिखेगी यहाँ पर रेड रेड। तो सीधा रूम में आ चुका हूँ, और आज तो वो हुआ नहीं आईडी कार्ड का काम, क्योंकि मैं 6 बजे गया था, और बस अब रूम जमाऊँगा मेरा। ये देखो कितना बिखरा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है। एक चीज़ मुझे नहीं मिली, अभी मैं शॉपिंग करने गया था, हैंगर नहीं मिले मुझे, गलती मेरी है, मुझे इंडिया से लेके आना था। और ये मेरी अलमारी है, देखो अब इधर मुझे सब कुछ जमाना है, तो अभी ये काम करने वाला हूँ मैं, ताकि चीज़ें सॉर्टेड हो जाए यार पहले दिन ही, तो शांति से रहेंगे। अब धीरे धीरे मैं सामान लाते जाऊंगा, जो जो मुझे चाहिए, थोड़ा बहुत मैं ले आया हूँ, जो जो मिल गया मेरे को, प्लेट, कप, एक वाटर फिल्टर है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कैसा वाटर फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ वाटर फिल्टर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा अगर आप आते हो, क्योंकि टैप वाटर ड्रिंकेबल है पर इतना भी ड्रिंकेबल नहीं, तो उसको पहले इसमें डालो, यहाँ से फिल्टर होते होते वो यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आप उसको पी सकते हो। तो ये सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब रूम जमाता हूँ मैं मेरा, देखते हैं कितना क्या समय लगता है। अभी तो ऐसे ही कपड़े रख दूंगा, क्योंकि हैंगर लाने पड़ेंगे, और हैंगर लाने के बाद और अच्छे से अपन व्यवस्थित कर देंगे। तो अभी मैंने ऐसे कुछ जमा दिए, टी शर्ट्स, पैंट, जीन्स, और पीछे मैंने ठंड के कपड़े पटक दिए हैं, क्योंकि अभी इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही, शाम को ही थोड़ा ठंडा लगता है, तो उसके लिए नॉर्मल जैकेट वगैरह तो भारी है मेरी। अब मेरे को ये जो खाने पीने का सामान है इसको किचन में जमाना है, जूते वगैरह सेट करने, और यहाँ पर थोड़ा खाली खाली हो जाए तो फिर अपने को थोड़ी सूझ पड़ेगी कि क्या करना है, तो वो धीरे धीरे होगा। अब ये सेव, मिक्सचर, नमकीन, ये सब पड़ा हुआ है, और ये सब एडजस्ट करूँगा किचन में। और फिर थोड़ा सा, अभी मेरे को बेडशीट भी नहीं मिली, पता है ये जो साइज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा है, सिंगल भी नहीं है, डबल भी नहीं है, तो मैं पूछूंगा बाकी फ्लैटमेट से कि इसका क्या करना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे सिम कार्ड भी इन्हीं लोगों ने दे दिया, स्टूडेंट अकोमोडेशन वालों ने, अब इतना पैसा दे रहे हैं तो देंगे ही सही। तो अब मैंने थोड़ा ये सॉर्ट कर दिया है, मतलब इतना भी नहीं किया, अभी धीरे धीरे जमाऊंगा चीज़ों को। तो ये अभी मैंने मेरी जैकेट को तकिया बना रखा है, ये जो फ्लाइट में इसको ओढ़ रहा हूँ मैं, और कोई एयर कंडीशनर नहीं है रूम में, ये बस हीटर है, क्योंकि यहाँ पर इतनी वो नहीं पड़ती है गर्मी। और मैं यहाँ से व्यू बताता हूँ आपको मेरे रूम से क्या दिखता है। तो ये दिख रहा है कि नहीं, ये सारे फ्लैट्स हैं दूसरे स्टूडेंट्स के। एक बुरी चीज़ लगी मुझे यार कि सामने वाले को अपना दिखता है और अपने को सामने का दिखता है, यहाँ पर देख वो थोड़ी चीज़ को समझना पड़ेगा। अब थोड़ा शॉर्ट है, अब कल मुझे एक बेडशीट लानी है, क्योंकि बेडशीट नहीं है, सिर्फ ये कवर है मैट्रेस का, तकिया लाना है, लॉन्ड्री बैग लाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें अब मैं शॉपिंग करूँगा। आज मैं गया था पाउंड स्टोर करके, जैसे डॉलर स्टोर होता है US में, $1 में सब कुछ होता है, पाउंड स्टोर है यहाँ पर, पर US में भी कोई ऐसा नहीं है कि डॉलर स्टोर थे $1, अब $1.25 हो गया, और यहाँ पर भी 2 पाउंड की चीज़ें, 5 पाउंड की चीज़ें, तो ऐसा नहीं कि 1 पाउंड का ही सब कुछ। तो वहाँ से मैं छोटी मोटी चीज़ लाया, टेप, प्लेट वगैरह, ये सब चीज़ें मैं लेके आया, थोड़ा खाने पीने का, चम्मच, कांटे, ये सब लेके आया। और अब धीरे धीरे देखो शॉपिंग करेंगे, एक दिन में सब कुछ मिलेगा नहीं, पर ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे रूम के, कि अलग अलग शेल्फ है यहाँ पर, एक शेल्फ यहाँ भी है, एक कांच है यहाँ पर, और बाथरूम है मेरा यहाँ पर, तो प्राइवेट रूम है, प्राइवेट बाथरूम है, लंदन में बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, और शेयर्ड किचन है, और टोटल 8 फ्लैट हैं यहाँ पर। खैर ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं पूरे इस अकोमोडेशन की वीडियो बनाऊंगा,
तो फिलहाल आज की वीडियो में तो इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी, मैं बाहर गया थोड़ा बहुत कलेक्ट करके आया चीज़ें हम, तो मैं ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स अब बनाऊँ क्या ऐसे कमेंट्स में बताना आपको कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी रहती है यूके में। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लोगों के लिए इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट रहेगा कि कैसे मैं आया और मैं धीरे धीरे कैसे चीज़ें सेटल कर रहा हूँ। तो अपन रहने वाले हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए इस बार, हर बार तो जल्दी निकल जाते हैं, तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन हिट द लाइक बटन, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक लिख, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं और ऐसी स्टूडेंट लाइफ ट्रैवल मिक्स के साथ एकदम एक्सीलेंट कंटेंट देखना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर कर दो और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद अनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफर, तब तक के लिए अलविदा।